हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन चैप्टर के अंदर करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन का अर्थ जो होता है लगातार कीमतों में वृद्धि। जब इन्फ्लेशन होती है तो इसके अंदर जो डेटर जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लूज़र्स होते हैं। क्योंकि मान लो जैसे हमने डेटर से पैसे लेने हैं, तो क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो इसके लिए वजह से क्या होता है कि डेटर जो है उनको बेनिफिट होता है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं नेचुरली जब हम कुछ देर के बाद पे करते हैं तो उनकी जो वर्थ होती है क्रेडिटर्स के लिए कम हो जाती है। उसी तरह देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो तो सरकार की सिक्योरिटीज़ के अंदर निवेश करते हैं जहाँ पे उनको फिक्स रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ पे उनको नुकसान होता है क्योंकि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम होता है, इन्फ्लेशन तेज़ी के साथ बढ़ती है। पर जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के शेयर खरीदते हैं उनका बेनिफिट होता है। उसी तरह देखो, जो फिक्स सैलरी क्लास होती है उनको भी नुकसान होता है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। उसी तरह जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या उद्यमी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो नेचुरली वो कीमतें ज़्यादा वसूल करते हैं। और उसी तरह जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है क्योंकि नेचुरली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। और जो हाउस होल्ड सेविंग होती है उनको ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है क्योंकि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो होता है जितना इन्फ्लेशन का रेट होता है उससे कम होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एप्रिसिएशन उतनी नहीं हो पाती। और देखो, जब शुरू में इन्फ्लेशन होती है तो रोज़गार बढ़ता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है तब उसके अंदर क्या होता है कि प्राइसेस और तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करनी शुरू कर देती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब कीमतों का वाधा वृद्धि होती है तो एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इम्पोर्ट राइज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। उसी तरह देखो, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से सरकार को क्या है पब्लिक डेट्स लेना पड़ता है। उसी तरह जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, वो बैंक्स के अंदर ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करते हैं तो नेचुरली मतलब भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसी तरह क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का खर्चा भी बढ़ जाता है, सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है। और जो गरीब लोग होते हैं नेचुरली वो चीज़ें खरीद नहीं पाते तो सरकार को प्राइस कंट्रोल जो है, राशनिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। उसी तरह देखो, कई पार्टी जो होती हैं इन्फ्लेशन को जब वो कंट्रोल नहीं कर पाती तो इस वजह से क्या होता है वो हार भी जाती हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं सट्टेबाजी चीज़ों को उसकी स्केयरसिटी करने लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आम जनता है उसको बहुत नुकसान होता है। उसी तरह देखो, जो इन्फ्लेशन है उसका आर्थिक विकास के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट भी होता है, ख़राब इम्पैक्ट भी होता है। देखो, जब इन्फ्लेशन शुरू में क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो इसके अंदर क्या होता है चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो नेचुरली क्या होता है कि डिवेलपमेंट होती है और इंडस्ट्रीज लगती हैं, नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट हो जाता है, प्रोडक्शन और बढ़ती है। और उसी तरह क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी इनकम के अंदर और इजाफा होता है, वो और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और होती है, तो वो जो सेविंग करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर होता है, और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, इनकम का लेवल इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो इन्फ्लेशन है देखो, इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है। देखो, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, लेबर जो है वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, और डिमांड और प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, नेचुरली इकोनॉमी के अंदर अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है। उसी तरह मनी की परचेजिंग पावर कम होती जाती है तो लोग जो है सेव नहीं करते, और इन्फ्लेशन जो है क्योंकि रिच जो है और अमीर हो जाता है, गरीब जो है और गरीब हो जाता है, और तो इस वजह से इन्फ्लेशन जो है जस्टिफाइड नहीं है। और जिन लोगों की इनकम राइज होती है तो वो लग्जरी चीज़ें ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी जो है ख़राब हो जाती है। और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि कई बार
हाइपर इन्फ्लेशन जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस है, वैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसी तरह देखो जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो यहाँ पे है कि जैसे मॉनेटरी मेजर्स, यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको इन्फ्लेशन को चेक करना चाहिए। डियर मनी पॉलिसी जो है इसको अडॉप्ट करनी चाहिए, मनी की सर्कुलेशन कम होनी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा ना हो, वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड ना करे। उसी तरह क्या है कि क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल लगा सकते हैं, बैंक रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो पुरानी करेंसी है उसको डीमोनेटाइज करके उसकी जगह पे न्यू करेंसी इशू कर सकते हैं। और उसी तरह जो है सरकार फिस्कल मेयर्स भी अडॉप्ट कर सकती है, यहाँ पे उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कम से कम करना चाहिए और जो पब्लिक डेट्स है वो लेने चाहिए ताकि लोगों का पैसा सरकार के पास आ जाए, लोग डिमांड ना कर सके, और जो पुरानी डेट्स हैं उनकी पेमेंट लेट करे। और उसी तरह क्या है कि नए टैक्स लगा सकती है, और यहाँ पे क्या है कि मनी जो है उसकी ओवर वैल्यूएशन कर दें, और उसी तरह गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फिनांसिंग जो है कम से कम करे। और देखो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लेशन होती है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, नेचुरली पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंशन करे, प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, और नेचुरली गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर कमर्शियल पॉलिसी जो है अडॉप्ट करे ताकि नेचुरली ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और नेचुरली उन चीज़ों के एक्सपोर्ट को मतलब डिस्करेज किया जाए, वो चीज़ें डोमेस्टिकली जो है सप्लाई होनी चाहिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके और कीमतें जो है बैलेंस हो सके। और नेचुरली जहाँ पे लगता है कि इन्वेस्टमेंट उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर करनी चाहिए जहाँ पे लगता है कि प्रोडक्शन को हम शॉर्ट पीरियड के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं जहाँ पे गेस्टेशन पीरियड जो होता है लॉन्ग होता है। और उसी तरह सरकार को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी प्राइसेस खुद नियंत्रण में रखनी चाहिए, और लोगों को सेविंग के लिए बड़ी अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए, और वेज पॉलिसी जो है प्रॉपर अडॉप्ट करनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स वापस करेंगे तो नेचुरली वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, तो इस हिसाब से क्या है कि उनको उनके ऊपर भी राशनिंग करनी चाहिए।